Compete, crack, conquer. A challenging GET contest, engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GET till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GET deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GET challenge. Unacademy Combat. Register now. इरिगेशन का बचा हुआ टॉपिक कब होगा आपको मिल जाएगा इसका इन्फॉर्मेशन आज इस क्लास के जस्ट बाद, ठीक है? इस क्लास के जस्ट बाद आपको पता चल जाएगा कि इरिगेशन का रिमेनिंग टॉपिक कब होने वाला है। तो मेरे को ये बता दीजिए, एम आई ऑडिबल, यस और नो, जल्दी से बताएंगे, ठीक है? अगर सब लोग मेरे को सुन पा रहे हो तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हाइड्रोलॉजी के बारे में बातें स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग हाइड्रोलॉजी को देखेंगे और बहुत ही गजब तरीके से देखेंगे। आई एम टेलिंग यू कि हाइड्रोलॉजी की वेटेज की बात करेंगे, दूसरे दूसरे एग्जाम्स में बात करेंगे किसमें इंपॉर्टेंट है, और आपके करंट में आने वाली किस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हम लोग, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है? तो आई होप सब लोगों को सारी बातें, साउंड इको हो रहा है अभी चेक करिए, अभी तो नहीं हो रहा, इको नहीं हो सकता है वैसे तो, मतलब साउंड प्रूफ्ड है मेरी सारी वॉल्स, इसलिए ठीक है। इज दिस एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हाइड्रोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, और हाइड्रोलॉजी के वेरियस एग्जाम्स के वाइज इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। आज बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, कैसे हम हाइड्रोलॉजी को आगे देखने वाले हैं, और क्या क्या सीरीज में मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया। आई एम टेलिंग यू दिस वुड बी द वन ऑफ द बेस्ट हाइड्रोलॉजी जो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेरे से एक छोटे से बोर्ड पे कभी हाइड्रोलॉजी पढ़ा होगा, ठीक है? दैट हाइड्रोलॉजी अब तो अवेलेबल नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि दैट वॉज द बेस्ट हाइड्रोलॉजी कभी यूट्यूब पे हुआ होगा। तो नाउ आई एम मोर कॉन्फिडेंट, उस टाइम से जब मैंने पढ़ाया था आज से 1.5 साल पहले, आई हैव मोर कंसेप्ट क्लियरेंस, आई हैव मोर नॉलेज देन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो आज हम लोग और भी ज्यादा डेप्थ में बात करने के लिए रेडी हैं। तो जरा एक बार बताइए, जरा एक बार बताइए कि सब लोग रेडी है क्या? कमॉन गाइस, गिव मी अ थम्स अप, तो हम अपनी बातों को स्टार्ट करेंगे। इज एवरीबॉडी रेडी? कमॉन, जस्ट डू लेट मी नो वंस, क्या सब लोग रेडी है, एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी है क्या? सर मैंने पढ़ा है बोर्ड पे, बहुत बढ़िया। सर प्लीज टीच इन इंग्लिश, आई विल ट्राई टू मेक इट बायलिंगुअल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर, वेदर दे वांट दिस सब्जेक्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, आई विल मेक इट बायलिंगुअल, डोंट वरी ओवर इट। ठीक है, तो चलिए आइए बातों को स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे सब लोग, तो फिर हम अपनी बातों को शुरू करेंगे। तो मैंने बोला आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हाइड्रोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हाइड्रोलॉजी। अब हाइड्रोलॉजी का वेटेज की बात करते हैं, व्हाट इज द वेटेज ऑफ दिस हाइड्रोलॉजी इन गेट एग्जामिनेशन, इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड इन वेरियस डिफरेंट एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर।
फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. लेट मी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट जो जो बाकी लोग स्टूडेंट है, दोज हु आर प्लीज कंसिडर साउथ इंडिया. यस यस, आई विल कंसिडर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, डोंट वरी, आई विल मेक इट बायलिंगुअल फॉर एवरीवन, सो इट वुड बी फॉर एवरीवन. ठीक है, ठीक. तो मैंने बोला ध्यान से देखना जरा यहाँ पे. फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, देन ओनली आई विल स्टार्ट विद इट. ठीक है, तब तक आप लोग एक बार शेयर कर देंगे, जस्ट डू शेयर विद एवरीवन हु इज अवेलेबल. ठीक है, तो मैंने बोला देखो यहाँ पे माय नेम इज प्रतीक मिश्रा, यू ऑल नो अबाउट मी, आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5+ ईयर, दीज आर फ्यू ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड दिस इज माय कोड प्रतीक 101. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज नॉट द कोड, दिस इज द बॉन्ड बिटवीन अस व्हिच इज कनेक्टिंग यू एंड मी ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म. फाइन, तो सर इससे क्या फायदा होता है? मैंने बोला व्हेनेवर यू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन आपको 10% ऑफ मिलता है, बट इट इज नॉट अ मैटर ऑफ 10%. 10% का गेम ही नहीं है, पूरा गेम किसका है? मेंटोरशिप का, कि अंडर हूज गाइडेंस यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर जर्नी फॉर प्लस. ठीक है, तो ये बात हुई. मतलब नेक्स्ट बात करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर प्लस, व्हाट आर द पेड कोर्सेस ऑफ एन अकेडमी. तो मैंने बोला ये देखिए प्लस और आइकॉनिक दो में देख रहे हैं हम लोग. तो प्लस की अगर मैं बात करता हूं, तो यू विल गेट लाइव क्लासेस, यू विल गेट क्रैश कोर्सेस, वीकली कोर्स ओवर देयर, वीकली टेस्ट ओवर देयर, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलती है. साथ में अगर आइकॉनिक की बात करूं, तो आपको जो जो चीजें प्लस में मिली है, यू विल गेट पर्सनल कोच ओवर देयर, यू विल गेट स्टडी प्लानर ओवर देयर, स्टडी बूस्टर सेशंस ओवर देयर, ये सारी चीजें आपको प्लस और आइकॉनिक में देखने को मिलेगी. मैंने बोला अगर देखिए ये एक नया बैच है जो आप लोगों के लिए लक्ष्य 22 गेट और एसी के लिए, तो अगर आप चाह रहे हैं इस बैच को ज्वाइन करना, तो ये बैच आप लोगों के लिए 16th of June से आप लोगों के लिए स्टार्ट हुआ है. तो इन केस इफ यू वांट कि आप अगर इस बैच में ज्वाइन करें 16th of June से, ये जो बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हुआ है, इफ यू वांट कि आप इस बैच में ज्वाइन करें, तो व्हाट यू जस्ट नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू यूज द कोड प्रतीक 101. ठीक है, तो प्रतीक 101 इज द कोड फॉर माई गाइडेंस थ्रू आउट दी जर्नी, आफ्टर दी जर्नी. ठीक है, तो आप लोगों को मेरा कोड यूज करना है. ठीक है, ईएसी कवर होगा या सिर्फ गेट? सारी एग्जाम्स कवर होगी, नॉट ओनली ईएसी, नॉट ओनली गेट, ऑल दी स्टेट एग्जाम्स विल आल्सो गेट कवर्ड, क्योंकि अभी आपके लिए रिसेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज. ठीक है, तो मैंने बोला चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं. तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको स्पार्क एंड वर्ब बैच, दिस इज फॉर ऑल दी इंग्लिश ओनली बैच. सो दिस इज द इंग्लिश ओनली बैच फॉर ऑल दी साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू ज्वाइन. So this is the English batch that is also started from 16th of June. So you can also join this batch also. ठीक है, ठीक. तो चलिए आइए weightage की बात करना start करते हैं. Let's talk about the weightage of hydrology. Let's talk about the weightage of hydrology. तो कहाँ से start करते हैं? पहले gate से start करते हैं. ठीक है, let's start from gate. जय महाकाल. Back to subjects. Transportation, surveying, geotech, environment, irrigation, hydrology. Only Pratik sir. Thank you bro. Thank you. जब मैं वॉइस बोर्ड पे लिखता हूँ तो वॉइस कम हो जाती है. बस मेरे को कुछ दिन दो, यहाँ पे लॉकडाउन ओपन हो चुका है ना, आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड द माइक, क्योंकि आप लोगों को पता है कि माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उसके कारण ये सारी चीज़ें हुई है. बट स्टिल आई जस्ट रेक्टिफाई इट वेरी सून. ठीक है, ठीक है सर. हाइड्रोलॉजी कंप्लीट होने में अप्रोक्स कितना दिन लगेगा? स्टार्ट करते हैं, दिन पता चल जाएगा. थोड़ा सा आज तो स्टार्ट करें. ठीक है, बायलिंगुअल होगा. यस, आप कहाँ जिम करते हैं? अपने घर पर. ठीक है, आई हैव ऑल दी सेटअप्स एट माय होम. ठीक है सर, हम क्यों हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं सर जी? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो मैंने बोला फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द गेट एग्जामिनेशन. तो अगर मैं गेट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, तो देखना जरा यहाँ पे गेट एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करता हूँ कि हाउ मच वेटेज डज इट कैरी इन गेट एग्जामिनेशन. तो मैंने बोला फॉर द केस ऑफ गेट एग्जामिनेशन, आपने देखा है गेट एग्जाम का, अगर मैं बात करूं सेट वन, कौन सा गेट 21 की बात करता हूं, चलो आप लोगों से पहले बात करता हूं गेट 2021 की बात करता हूं, तो फॉर द केस ऑफ गेट 2021, अगर मैं सेट वन की बात करता हूं, तो सेट वन में आपको 3 मार्क्स के प्रॉब्लम्स देखने को मिले थे. यू गॉट 3 मार्क्स प्रॉब्लम इन सेट वन. ठीक है, 3 मार्क्स प्रॉब्लम यू गॉट इन सेट नंबर वन. ठीक है, और अगर मैं सेट नंबर टू की बात करता हूं, तो यू गॉट 4 मार्क्स प्रॉब्लम इन सेट नंबर टू. You get 4 marks problem in set number 2. ये हुई बात किसके लिए? हाइड्रोलॉजी के बारे में. अगर मैं गेट 21 की बात करूं, मैं ना गेट 20 की बात करते हैं, चलो गेट 20 की बात करते हैं. तो अगर मैं आपसे गेट 20 की बात करूं, तो मैंने बोला सेट वन में आपको जो देखने को मिला था, वही 3 मार्क्स प्रॉब्लम, और यहाँ पे जो आपको देखने को मिला था सेट टू में, यू गॉट 5 मार्क्स प्रॉब्लम. ठीक है, सेट टू में आपको देखने को मिला था 5 मार्क्स प्रॉब्लम. तो दिस इज अराउंड द वेटेज, अराउंड 3 to 5 marks यू कैन से. ठीक है, 3 से 5 नंबर का आपका वेटेज आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोलॉजी में. ठीक है, गजब की बात. ठीक है, मेक इट 200, चलो 200 करेंगे बोला इसको. ठीक है, अभी इसको 200 करेंगे हम लोग. ठीक है, 200 करेंगे. फाइनली बैक. यस, बैक विद अ बैंग. ठीक है, गजब का हाइड्रोलॉजी पढ़ने वाले.
तो ये तो बात हुई गेट एग्जामिनेशन के बारे में। मैंने बोला अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है आप लोगों के लिए क्या है, जब आप हाइड्रोलॉजी पढ़ते हो तो कई बार बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इट ओनली कैरीज 2 to 3 marks और 2 to 4 marks और 5 marks, ठीक है, जनरली जो एवरेज वेटेज बताया मैंने दैट इज 3 to 5 marks। अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के हिसाब से बताऊं तो फॉर द लास्ट ईयर ईएससी हैज आस्क्ड अराउंड 16 क्वेश्चन फ्रॉम हाइड्रोलॉजी, 16 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे इंजीनियरिंग सर्विसेज में। बट इससे भी ज्यादा ऊपर उठ के जो चीज आती है, देखो मैं आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ यू ईच एंड एवरीवन विल गिव आगे जाके कौन सा किसी भी स्टेट का एग्जाम, किसी भी एई का एग्जाम, जेई का एग्जाम एंड एवरीथिंग, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेक्निकल एग्जाम। तो अगर मैं बताऊं तो दो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, 2 subjects कैरी मैक्सिमम वेटेज फॉर द स्टेट एग्जामिनेशन, वन इज योर हाइड्रोलॉजी एंड वन इज योर इरिगेशन। तो डोंट टेक इट लाइटली कि सर इसका किसी और एग्जाम में वेटेज, गेट में तो वेटेज ही नहीं है। तो बेटा आपके पास जो जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट एग्जामिनेशन, ठीक है, ये बात हमारे समझ में आई, ये बात हमारे समझ में आई, ठीक है। 192 मेक इट 200, 192 मेक इट 200, 196 दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो मैंने बोला ये बात हमारे समझ में आई, तो ये हो गया हाइड्रोलॉजी के बाद जो भी करना था। मैंने चलिए आइए सिलेबस देखते हैं, सिलेबस कैसे बात कर रहा होगा, ठीक है। तो स्टेट एई स्टेट जेई के लिए एक गजब का एग्जाम होने वाला है, तो आपके जितने भी आने वाले एग्जाम है, JKSSB हो गया, DFCCIL हो गया, इन सारी एग्जाम में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाला है हाइड्रोलॉजी, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं किसके बारे में, हमारे सिलेबस के बारे में। तो कैन यू ऑल सी इट, सिलेबस, ठीक है। तो अब हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस सिलेबस, What is the syllabus? So let's talk about the syllabus कि हम क्या क्या देखेंगे। तो first we'll talk about the introduction part. ठीक है, सबसे पहले हम लोग introduction देखेंगे। In this introduction we'll talk about each and every step जो आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। In introduction we'll talk about each and every steps कि किसके कारण पानी आया, कहाँ से पानी आया, कैसे पानी आया और कैसे पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। We'll talk about the introduction part, ठीक है। Next we'll talk about the precipitation. Now this water is coming to the earth surface in various forms, उसको हम precipitations के form में बताने वाले हैं, ठीक है सर, बहुत ही गजब। मैं नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट्स, प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे। तो प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट एंड एस्पेक्ट्स में हम लोग बात करेंगे कि व्हेन दिस वाटर इज कमिंग टू द अर्थ सरफेस हाउ मच वाटर इट इज कमिंग, वी नीड टू कैलकुलेट दैट वाटर, ठीक है। कितना पानी आ रहा है, कहां पे ज्यादा बारिश हो रही है, कहां पे कम बारिश हो रही है, अगर कहीं पे डैम कंस्ट्रक्ट करना है तो हाउ वी वुड कम टू नो कि वहां पे डैम इस हाइट का बनना चाहिए। तो ये सारी बातें जो होती है फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको कहां से मिलती है, आपको ये प्रेसिपिटेशन के मेजरमेंट से आपको बात पता चलती है, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आया। मतलब अगर आपको ये बात समझ में आती है तो नेक्स्ट इज योर रन ऑफ, रन ऑफ, ठीक है। रन ऑफ जो भी पानी बह के जा रहा होगा उसको रन ऑफ बोलते हैं हम लोग, इसको मैंने डायरेक्ट रन ऑफ लिख दिया है बट इसको मैं अलग नाम से आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट्स, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट्स में जो आपको बताया कि अगर नदी से पानी बह के जा रहा है कैसे कैसे आपको वाटर फ्लो होते हुए दिख रहा है, वो सारी बात कर रहे होंगे स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट्स में। कितना पानी बह रहा है, कोई दो स्ट्रीम्स आके मिल रही है तो हाउ दे आर गिविंग वाटर टू द थर्ड स्ट्रीम, वो थर्ड स्ट्रीम का लेवल कितना अप होना चाहिए, लेवल कितना डाउन होना चाहिए, ये सारी बात करेंगे हम लोग जब स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट्स की बात करेंगे। गजब सर, इरिगेशन की बची हुई स्पेशल क्लास पे करवा दीजिए, मैं इरिगेशन बचा हुआ आपको यूट्यूब पे ही कराऊंगा, जस्ट डोंट वरी ओवर इट, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। जैसे ही ये क्लास खत्म होगी आपको पता चल जाएगा इरिगेशन कहां होने वाला है, ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आया। बियॉन्ड इमेजिनेशन वो तो हो गई, ठीक है। जियोटेक नहीं पढ़ाओगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, जियोटेक चल रहा है, जियोटेक और पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो मैंने बोला नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोग्राफ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको गेट एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, दैट इज योर हाइड्रोग्राफ, जिसमें हम लोग एस कर्व के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट हाइड्रोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, है ना, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी बात करेंगे। नेक्स्ट इज योर फ्लड, नेक्स्ट इज योर फ्लड राउटिंग एंड हियर इट इज ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, जो आपको नहीं दिख रहा होगा, इट इज योर ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे इट इज ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, ठीक है सर। सिलेबस सब लोगों को समझ में आ गया होगा, सिलेबस सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्या क्या बातें देखने वाले हैं पूरे हाइड्रोलॉजी में, हम क्या क्या बातें देखने वाले हैं, ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई। सर मेरे को ये बताइए कि हाइड्रोलॉजी को आप कैसे जज करते हैं या आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं या वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रीड और टू स्टडी हाइड्रोलॉजी। मैंने बोला चलो आओ कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लग रहा है भीड़ से अलग हो रहे हैं, बिल्कुल होना ही पड़ेगा भाई, होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने वाला देखो जरा यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो मैंने वाला देखो जरा ये सब बचपन से जानते हो आप, इस शब्द को बचपन से जानते हो
और ये रहा बचपन से शब्द जिस बात को जानते हो आप, दैट इज योर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। कितने लोग हैं आप में से जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को बहुत बचपन से जानते हैं, सिक्स्थ क्लास से यही बना रहे हैं और फिर भी हमको इसका मोटिव नहीं पता है। अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, नोबडी कैन इवन आंसर। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको पता नहीं रहेगा कि आपको क्या लिखना है आंसर में। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर आप सिक्स्थ क्लास से इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को जानते हैं। ठीक है, तीन सब्जेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला अगर आप सिक्स्थ क्लास से इस हाइड्रोलॉजी साइकिल को जानते हो, इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को जानते हो, जिसको आप वाटर साइकिल भी बोलते हो, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए कि व्हाट इज द फ्रॉम वेयर दिस साइकिल स्टार्ट्स। आपको क्या लगता है ये साइकिल कहां से स्टार्ट होती होगी, फ्रॉम वेयर दिस साइकिल स्टार्ट्स। ठीक है, ये साइकिल कहां से स्टार्ट होती है, मेरे को ये जानना है। एक साइकिल है ये, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, तो आप तो हमेशा इसको बोलते हो कि सर ये तो एक प्रोसेस है जो बार 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 होती रहती है। बट फॉर द कंसेप्ट ऑफ, अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन, एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये कहां से स्टार्ट होती है, एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये कहां से स्टार्ट होती है। देखा, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सन, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं इवेपोरेशन, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं क्लाउड, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूं फर्स्ट कंसेप्ट आज की क्लास का आपके लिए, जो बहुत बार बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा गया है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम ओशन। ठीक है, कहां से स्टार्ट होती है, जो आपकी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसको हम बोलते हैं कि वो कहां से स्टार्ट होती है, ओशन से स्टार्ट होती है। तो मेक इट पॉइंट, स्टार मार्क डाल के अपनी नोट्स में लिख लेना है कि दिस कंसेप्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम ओशन। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आया। तो कहां से स्टार्ट होती है, ओशन से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन आज के लिए, सेकंड कंसेप्ट आज के हाइड्रोलॉजिकल क्लास का सेकंड कंसेप्ट। तो सेकंड कंसेप्ट है सर ये बताइए कि सर व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेगा, तो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल टू वर्क। ठीक है, तो सन इज द, नोट का क्या होगा, नोट्स आपको बनाने रहेंगे यार इस बार साथ में, ठीक है, नोट्स आपको बनाने रहेंगे। तो सन इज दी सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आया। सर क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, क्लास का टाइमिंग डेली 3 बजे ही रहेगा, डेली 3 बजे रहेगा क्लास का टाइमिंग। ठीक है, 3 बजे रहेगा क्लास का टाइमिंग। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आया। ठीक है, क्लास का टाइमिंग 3 बजे। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला सन इज दी ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दिस साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम ओशन। ठीक है सर, मैंने बोला अब एक एक करके पहले मैं इन कंसेप्ट को बताते जाऊंगा, उससे पहले आई वुड लाइक टू नो कि हाइड्रोलॉजी का मीनिंग कितने लोग ये बात को समझ पाते हैं। ठीक है, जियोटेक का नेक्स्ट लेक्चर कब है, जियोटेक का नेक्स्ट लेक्चर आज रात को 9 बजे है प्लैनेट गेट चैनल पे। ठीक है, जियोटेक का नेक्स्ट लेक्चर आज रात को 9 बजे प्लैनेट गेट चैनल पे है। ठीक है, तो मैंने बोला ये बात समझा दी मैंने आपको। मैंने अब इससे पहले कि आप मेरे से कुछ और बातें करो, आई वुड जस्ट लाइक टू नो कि आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि हाइड्रोलॉजी तो सर आप पढ़ा दे रहे हो, पर हाइड्रोलॉजी का मीनिंग क्या है सर, हाइड्रोलॉजी का मीनिंग क्या है। मैंने बोला हाइड्रोलॉजी का मीनिंग बहुत ही, अगर आप इसको बेसिक पार्ट्स में ब्रेक करते हो तो आपको समझ में आता है, हाइड्रो मींस वाटर और लॉजी मींस स्टडीज। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द वाटर, व्हेन वी साइंटिफिकली स्टडी अबाउट द वाटर, तो हम बोलते हैं उसको हाइड्रोलॉजी। ठीक है सर, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में बात कर रहे हैं। तो इन हाइड्रोलॉजी सर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम हाइड्रोलॉजी को कैसे कैसे देखने वाले हैं सर, व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी। तो मैंने बोला एक, इट इज द साइंस ऑफ वाटर। यस, इट इज द साइंस ऑफ वाटर। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे, जब भी आपसे कोई भी हाइड्रोलॉजी की बात करेगा तो हम केवल 3 पॉइंट्स पे फोकस करने वाले, केवल 3 पॉइंट्स पे फोकस करने वाले। व्हाट आर दीज 3 पॉइंट्स, कौन कौन से 3 पॉइंट्स होने वाले आपके। तो मैंने बोला पहला पॉइंट जो आपका होने वाला है, It is about the occurrence. कैसे स्टार्ट हो रहा है आपका वाटर का मूवमेंट। ठीक है, next is about your circulation. And third is about the distribution of water. ठीक है, तो इन 3 कंसेप्ट को आप एक साथ देखने वाले हो। So the scientific study for occurrence, circulation and distribution of water is termed as hydrology. तो आपने क्या बोला, हाइड्रोलॉजी क्या होता है, एक occurrence, circulation and distribution of water, उसको बोल रहे हैं हम लोग हाइड्रोलॉजी। ठीक सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं जो आप हाइड्रोलॉजिक साइकिल आपको यहाँ पे दिख रही थी। मैंने देखो जरा यहाँ पे, जब इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करेंगे तो नॉर्मल लोग यही बात करते हैं, ध्यान से सुनना अभी क्या बता रहा हूं मैं, ये नॉर्मल जिंदगी बता रहा हूं। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको नॉर्मल जिंदगी, याद रखना हम लोग मेंटोस जिंदगी भी देखते हैं।
तो ये रही आपकी नॉर्मल जिंदगी, ठीक है, नॉर्मल जिंदगी, ठीक है। नॉर्मल जिंदगी में क्या होता है, ध्यान से देखते जाना, नॉर्मल जिंदगी के बाद मेंटोस जिंदगी बताएंगे। तो नॉर्मल जिंदगी में क्या होता है, तो नॉर्मल जिंदगी में ऐसा होता है कि जब भी आप इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करोगे, तो हम ओशन से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ओशन से ही जनरली हमको बोला गया कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट होता है यहां से। तो मैंने बोला देखना जरा यहां पे, देखना जरा यहां पे, तो ये ओशन से आपका वॉटर, वॉटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। मेरे एक एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना, मेरे एक एक स्टेटमेंट को, क्यों, क्योंकि मैं इसी स्टेटमेंट से मेंटोस जिंदगी बताऊंगा, मैं इसी स्टेटमेंट से मेंटोस जिंदगी बताऊंगा। तो मेक श्योर कि आप मेरी बातों को, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, ठीक है, ठीक। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे क्या बात कर रहे हैं, मैंने बोला ओशन से वॉटर, वॉटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, याद रखना इस बात को। तो ओशन से वॉटर कहां कन्वर्ट हुआ, मैंने बोला वॉटर, वॉटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है सर, ये बात हमारे समझ में आया। अब ये जब, और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में वॉटर आपका एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहा है, या वो प्रोसेस जिसमें आपका वॉटर, वॉटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हो आप इवापोरेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, उस प्रोसेस को बोलते हो आप इवापोरेशन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको इवापोरेशन कटा हुआ दिख रहा है, इज इट क्लियर नाउ, यस, ठीक है। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे, जिस प्रोसेस से आपने ये देखा कि आपका वॉटर किस में कन्वर्ट हो गया, वॉटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, आपने बोला इवापोरेशन, ठीक सर, ये बात तो समझना है। अब ये वॉटर आपका कन्वर्ट हो गया वॉटर वेपर में, ऊपर गया, फॉर्मेशन हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया आपका, ये क्या क्या हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है, ये धीरे 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 क्लाउड विंड के साथ मूव करके यहां आया, ये क्लाउड्स विंड के साथ मूव करके यहां आए, और मैंने बोला इन्होंने अपना टेम्परेचर लूज किया, टेम्परेचर कम हुआ इसका, और हो गया कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन अगेन व्हेन योर वॉटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू वॉटर, उस प्रोसेस को बोला गया कंडेंसेशन। व्हेन योर वॉटर कन्वर्ट्स इनटू वॉटर वेपर, वॉटर एक फेज से दूसरे फेज में चेंज हो रहा है, ध्यान सुनना, वॉटर एक फेज से दूसरे फेज में चेंज हो रहा है, वॉटर वेपर, ठीक है। तो हमने बोला कंडेंसेशन, ठीक है, हमने बोला कंडेंसेशन। अब ये जो वॉटर यहां से आया, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। जो आपको यहां से वॉटर मिलेगा, इस कंडेंसेशन के कारण क्या हुआ, वॉटर वेपर किस में कन्वर्ट हो गया, वॉटर ड्रॉपलेट्स में या आइस में, है ना। वॉटर वेपर के प्रेसिपिटेशन इसलिए बोला है क्योंकि इट इज कंबाइंडली टेलिंग अ टर्म प्रेसिपिटेशन फॉर वॉटर, वॉटर वेपर एंड आइस, ठीक है। ये तीनों टर्म को एक साथ ये बता रहा है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, ठीक है सर। अब ये जो प्रेसिपिटेशन हुआ, ये आपको देखने को मिल रहा है, जैसे यहां पे तो दिखाया हमने कि ये तो रॉक पे आ रहा है, ये पूरे अर्थ सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये कहां देखने को मिलेगा, पूरे अर्थ सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहीं पे ये पानी कहां आ रहा है, ये वॉटर यहां पे भी आ रहा है, जो कि किसके साथ आ जा रहा है, मैंने बोला जो पानी आपका आ रहा था ऊपर से, प्रेसिपिटेशन को हम वॉटर बोल रहे हैं, अभी हमारे करेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको वॉटर बोल रहे हैं। तो ये जो वॉटर आ रहा है, या तो ये अर्थ सर्फेस पे आ रहा होगा डायरेक्ट, या तो आप ये आपको दिख रहा है यहां पे किसी हिल पे आ रहा होगा डायरेक्ट, या यही वॉटर कहां आ रहा होगा, आपके प्लांट्स पे आ रहा होगा, या यही वॉटर किस पे आ रहा होगा, आपके प्लांट्स पे आ रहा होगा, ठीक है सर। मतलब कुछ पानी यहां से आ रहा था, लेकिन रास्ते में ही क्या हो गया, वापस से इवापोरेट हो गया। कुछ पानी रास्ते में ही क्या हो गया, वापस से इवापोरेट हो गया, ठीक है सर, ये बात भी हमारे समझ में आई। कुछ पानी ध्यान से सुनना, कुछ पानी वहीं पे इवापोरेट हो गया, मतलब कुछ पानी डायरेक्ट सरफेस पे आया और इस लेक में मिल गया, ठीक है, इस लेक में मिल गया। कुछ पानी सरफेस पे आया और इस अर्थ की सरफेस के अंदर चला गया, इस सरफेस के अर्थ सरफेस के अंदर चला गया, और जो पानी अर्थ सरफेस के अंदर चला गया है, उस प्रोसेस को आप बोलते हो इनफिल्ट्रेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, इनफिल्ट्रेशन बोलते हो। जो अर्थ सरफेस पे आया और वहीं से अंदर चला गया, उसको आपने बोला इनफिल्ट्रेशन। अलग अलग नाम से लोगों को आपको बता रहा हूं, ताकि ये नाम आपको बाद में याद रहेंगे, और इन्हीं नाम को हम बाद में क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन, द वॉटर दैट इज गोइंग डीप डाउन इनटू द अर्थ सर्फेस, इसको बोलते हैं हम लोग इनफिल्ट्रेशन, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आया, ठीक है सर ये बात तो समझ में आया, ये बात आपको समझ में आया। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं ध्यान से सुनना, इन्फिल्ट्रेशन समझ लिया मैंने बोला। अब देखो जो पानी आपका यहां से आ रहा था और इस प्लांट के ऊपर अटक जा रहा था, या इस प्लांट की जगह, इस पेड़ की जगह कोई बिल्डिंग भी होती अगर, मैंने बोला इस पेड़ की जगह कोई बिल्डिंग भी होती अगर, तो उस बिल्डिंग पे आपका पानी गिरता,
हाँ सर गिर गया, अब ये पानी तो यहीं पे है इसकी छत पे और वापस से इवापोरेट हो गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैंने बोला ये जो पानी जो रोक लिया गया है ड्यू टू दिस मैनमेड थिंग और ड्यू टू दिस नेचुरल थिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या बोलते हैं? कोई बताएगा मेरे को इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये जो पानी आ रहा था आपका, ये या तो इस प्लांट के ऊपर रुक गया है या इस बिल्डिंग के ऊपर रुक गया है जो मैनमेड थिंग है, तो इसको आप क्या बोलते हो? कोई मेरे को बताएगा? कोई मेरे को बताएगा? कोई मेरे को बताएगा? बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे बेटा, परकोलेशन की भी बात करेंगे और इनफिल्ट्रेशन की भी बात करेंगे। कोई बोल रहा है ट्रांसपिरेशन, गलत बात है ये, ट्रांसपिरेशन कुछ और चीज है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये वॉटर यहां पर रुक गया है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन। ऑसम, यू गाइस आर ऑसम, इसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। तो ये जो पानी आपका प्रेसिपिटेट होके आया है और इस प्लांट की वजह से या इस अर्थ सरफेस की सॉरी इस बिल्डिंग की वजह से रुक गया, उसको हमने बोला इंटरसेप्शन। क्या नाम दिया उसको? इंटरसेप्शन। तो लेट मी राइट हियर फर्स्ट, उसको हमने नाम दिया इंटरसेप्शन, उसको हमने नाम दिया इंटरसेप्शन। ठीक है भाई, इंटरसेप्शन हमने नाम दे दिया। मतलब अब ये पानी जमीन पे ना जाने की वजह, ये आपके अर्थ सरफेस पे ना जाने की वजह क्या हो गया? ये वापस एटमॉस्फियर में इवापोरेट हो गया, ये वापस एटमॉस्फियर में इवापोरेट हो गया है, इसको बोला है आपने ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब ये जो वाटर है यहां से, ये जो भी प्लांट था आपका, इसने कुछ रिलीज किया वाटर और ये वाटर अगर एटमॉस्फियर में आ जा रहा है तो उस प्रोसेस को बोल रहे आप ट्रांसपिरेशन। मतलब उस प्रोसेस को बोल रहे हैं आप ट्रांसपिरेशन। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आई। मतलब अगर ये बात समझ में आई है तो अब एक और टर्म समझते हैं रन ऑफ। ठीक है, अब एक और टर्म समझते हैं रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है? तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे, ये आपका कोई भी आपका पीक है, हिल है, यहां से ये वाटर फ्लो होता हुआ आ रहा है। देखो यहां से ये वाटर फ्लो होता हुआ आ रहा है, ये वाटर फ्लो होता हुआ आ रहा है, स्नो मेल्ट होने के कारण ये वाटर यहां से फ्लो होकर आया, तो इसी को बोलते हो आप रन ऑफ। इसी को क्या बोल रहे हो आप? रन ऑफ बोल रहे हो। जो अर्थ सरफेस के ऊपर आपको फ्लो ऑफ वाटर देखने को मिलता है उसको आप बोल रहे हो रन ऑफ। ठीक है सर, क्या सर कुछ ग्राउंड वाटर फ्लो भी रहता होगा? बिल्कुल रहता है। ये देखो यहां से जो पानी इन्फिल्ट्रेट हुआ था या इस लेक से पानी वापस ओशन तक पहुंच रहा है या हमारी किसी भी स्ट्रीम तक पहुंच रहा है, तो इसको हमने बोला ग्राउंड वाटर फ्लो। इसको हमने क्या बोला? ग्राउंड वाटर फ्लो बोला। तो बताइए यहां तक ये सारी बातें क्लियर है? बोलो हाँ। नॉर्मल जिंदगी सब लोगों को समझ में आई है क्या? ये नॉर्मल जिंदगी सब लोगों को समझ में आई है? हाँ, डेली क्यों नहीं चलेगा बेटा? डेली चलेगा। अभी हाइड्रोलॉजी आपका 3 बजे, ठीक है, डेली आपका हाइड्रोलॉजी 3 बजे चलेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये नॉर्मल जिंदगी सब लोगों को समझ में आई है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन गाइस, जस्ट डू लेट मी नो वंस, क्या समझ में आई है सब लोगों को? बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। मेरे को देख के सब्जेक्ट की फीलिंग आ जाती है। ठीक है। अरे कहीं पे भी सर्च कर लो यार, मेरे को मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है, कहीं पे भी मिल जाऊंगा। ठीक है सर, आप इरिगेशन पढ़ाएं? क्यों नहीं पढ़ाएं? इरिगेशन पढ़ाएं, बिल्कुल पढ़ाएं। कितने दिन तक चलेगा? दिन नहीं बताऊंगा अभी, शुरू करने दो पहले। ठीक है, ईएससी एग्जाम तक खत्म हो जाएगा? ईएससी जुलाई 17 जुलाई ना, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा ये बोल सकता हूँ, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा ये बोल सकता हूँ। ठीक है, चलिए आइए और बात करते हैं। मेंटोस जिंदगी देखना चाहते हैं? सर एनर्जी नेक्स्ट लेवल, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। ठीक है, अब बात करते हैं मेंटोस जिंदगी की बात करते हैं। चलो आओ मेंटोस जिंदगी की बात करते हैं। मैंने आपने देख ली नॉर्मल जिंदगी, अब मैं बताने वाला हूं आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की मेंटोस जिंदगी बताने वाला हूं। मैंने देखो अब देखने वाले हम लोग मेंटोस जिंदगी देखने वाले हैं, याद रखना मेंटोस जिंदगी देखने वाले। ये तो यार मेरे को ये बताओ, तुमने 6th क्लास में भी वही पढ़ा था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ओशन से इवापोरेशन, इवापोरेशन से कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन से रन ऑफ, इन्फिल्ट्रेशन और ये ट्रांसपिरेशन और इंटरसेप्शन। बोलो हाँ, यही बात पढ़ी थी सर। ठीक है सर, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं आपको मेंटोस जिंदगी बताता हूं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को अगर मैं इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस से बात करूं तो व्हाट एग्जैक्टली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल रिप्रेजेंट्स? किसी को कोई आइडिया है क्या बताने वाला हूं मैं? किसी को कोई भी आइडिया है मैं क्या बताने वाला हूं? इरिगेशन का बाकी लेक्चर कब होगा? मैंने आपको बताया कि बस ये क्लास जैसे ही खत्म होगी आपको पता चल जाएगा बाकी लेक्चर कब होगा। ठीक है, नो सर, इससे आसान पढ़े थे, बहुत बढ़िया। ठीक है,
सर ये क्लास कब तक होगी, टाइमिंग, टाइमिंग 3 से 4 होगा बेटा, डेली 3 से 4 होगा ये टाइमिंग, ठीक है, डेली 3 से 4 होगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो आप जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेंटोस जिंदगी बता रहा हूँ मैं आपको, मेंटोस जिंदगी बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना और मेंटोस जिंदगी को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, मेंटोस जिंदगी को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाउ वी आर गेटिंग वॉटर, फ्लो ऑफ वॉटर इन डिफरेंट फॉर्म्स, वॉटर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो हाइड्रोलॉजिकल मेंटोस जिंदगी के हिसाब से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है देखना, अब आप बहुत गजब तरीके से रिलेट कर पाओगे, ठीक है, अब आप बहुत गजब तरीके से रिलेट कर पाओगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को, ठीक है, अब आप बहुत गजब तरीके से रिलेट कर पाओगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को। तो मैं बोल रहा हूं देखो जरा, मेंटोस जिंदगी बोल रही है, इट इज अ साइकिल, इट इज अ साइकिल, इट इज अ साइकिल इन विच, इन विच, इट इज अ साइकिल इन विच, सॉरी, it is a cycle in which water moves, it is a cycle in which, in which water moves, water moves, moves from one phase to, from one phase to another, to another for different residence time, for different residence time, for different residence time, समझते क्या बोलने की कोशिश करी है, समझते बोलने की कोशिश क्या करी है, ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला था, मैं जो जो स्टेटमेंट वहां बोल रहा था वो सुनना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने बोला कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का क्या मतलब होता है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल रिप्रेजेंट करता है वॉटर का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना, या वॉटर का एक फेज से दूसरे फेज में जाना फॉर डिफरेंट रेसिडेंस टाइम। अब आपके पास एक सवाल आया कि सर ये नई टर्म रेसिडेंस टाइम क्या है, समझते हैं, रेसिडेंस टाइम होता है किसी एक पर्टिकुलर फेज में आपका वाटर कितनी देर रुकने वाला है उसको बोलते हैं रेसिडेंस टाइम, ठीक है। तो रेसिडेंस टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रेसिडेंस टाइम आपका बोल रहा है कि आपके किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में आपका वाटर या किसी भी एक फेज में, वेदर इट इज एयर, सॉरी, वेदर इट इज वाटर, वेदर इट इज वाटर वेपर, और वेदर इट इज आपका आइस, ठीक है, तो आइस, वाटर वेपर और वाटर के फॉर्म में आपका पानी कितनी देर रुकने वाला है, दैट इज योर रेसिडेंस टाइम। बट जब एक फेज से पानी दूसरे फेज में चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हो आप, क्या बोलते हो, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? रेसिडेंस टाइम इज स्टोरेज अपॉन में डिस्चार्ज, यस, वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज, वाइल्ड गेमिंग, ऑसम, ठीक है। स्टडी ऑफ वाटर कंटेंट विद रिकॉर्ड ऑफ पास्ट डेटा, नो 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 नो, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज, इट इज अ साइकिल इन विच वॉटर मूव्स फ्रॉम वन फेज टू अनदर फॉर डिफरेंट रेसिडेंस टाइम, अलग अलग समय के लिए, कितने समय के लिए आपका पानी उस पर्टिकुलर स्टेट में रुकने वाला है उसको रेसिडेंस टाइम बोला, और एक फेज से दूसरे फेज में जब वो चेंज हो रहा है तो उसको बोला हम लोगों ने क्या, उसको बोला हम लोगों ने हाइड्रोलॉजिक साइकिल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो हमने ये दो तरीके से हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को समझा, वन इज दिस साइकिल, होल साइकिल, व्हाट इट इज डूइंग, एंड वन इज द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच योर वॉटर इज चेंजिंग, इज कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये थी नॉर्मल जिंदगी, वो थी मेंटोस जिंदगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाइड्रोलॉजिकली कोई रेफरेंस बुक, आई वुड सजेस्ट के सुब्रमण्यन इज द बेस्ट बुक, आई वुड सजेस्ट के सुब्रमण्यन इज द बेस्ट बुक, ठीक है, के सुब्रमण्यन इज द बेस्ट बुक, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो ये एक फेज से दूसरे फेज में चेंज हो रहा है तो आपको कैसे चीजें देखने को मिल रही होगी, ठीक है सर। रिपीट, रेसिडेंस टाइम, रेसिडेंस टाइम इज द टाइम फॉर विच योर वॉटर रिमेन इन अ पर्टिकुलर स्टेट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। जैसे आपका वॉटर यहां पे वॉटर से वॉटर वेपर में चेंज हो रहा है, पर ये वॉटर में वॉटर बन के कितनी देर तक रहा है उसको आप रेसिडेंस टाइम बोलते हो। वो वॉटर बन के कितनी देर रहा है, रेसिडेंस टाइम। फिर वो वॉटर जब वॉटर वेपर में कन्वर्ट हो गया तो वॉटर वेपर बन के कितनी देर रहा है, दैट इज रेसिडेंस टाइम। फिर वो वेपर यहां पे जाके अगर आइस फॉल हुआ या स्नो फॉल हुआ तो वो स्नो के फॉर्म में कितनी देर रहा है, दैट इज योर रेसिडेंस टाइम। तो इज दिस क्लियर? अभी सबको क्लियर है, बोलेंगे हाँ या ना? कम ऑन गाइस, गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन गाइस, गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन एवरीवन, गिव मी अ थम्स अप, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ठीक है, कम ऑन एवरीवन, जस्ट गिव मी अ थम्स अप, ठीक है। अगर ये बात सब लोगों को समझ में आती है, अगर ये बात सब लोगों को समझ में आती है तो एक गजब सी चीज बताता हूं, देखो जरा एक गजब सी चीज बताता हूं। अब ये जो आपका आपने देखा कि ये ओशन पे भी हो रहा है प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन, और अर्थ सर्फेस के ऊपर भी हो रहा है प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन, तो हमको कहां पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा देखने को मिलता है वो बात कर रहे हैं,
ठीक है, हम लोगों को कहां पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा देखने को मिलता है और कहां पे इवेपोरेशन ज्यादा देखने को मिलता है वो बात कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, एवरी सब्जेक्ट इज इजी। थैंक यू नीलांजन, थैंक यू। चलो देखो जरा यहां पे क्या बात कर रहा हूं मैं आपसे, मैंने देखना जरा आपको कहां पे आपको प्रेसिपिटेशन ज्यादा देखने को मिलता है और कहां पे आपको इवेपोरेशन ज्यादा देखने को मिलता है वो बात कर रहे हैं। तो मैंने ये देखो जरा यहां पे दो तरीके से चीजों को बताऊंगा। पहला मैं बात करूंगा आपसे अर्थ सरफेस के ऊपर, या मैं बोल देता हूं लैंड के ऊपर बात करूंगा, एक बात करूंगा मैं आपसे लैंड के ऊपर, और मैं एक बात करूंगा जो दूसरी बात करूंगा वो बात करूंगा ओशन के ऊपर। मैंने एक बात करूंगा मैं लैंड के ऊपर और एक बात करूंगा मैं ओशन के ऊपर। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया। मैंने देखो ओशन में क्या होगा, ध्यान से देखना, सबसे पहले ओशन को देखते हैं, सबसे पहले ओशन को देखते हैं, ओशन को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले ओशन को देखना और ओशन को समझने की कोशिश करना। तो मैंने ना अगर मैं ओशन की बात कर रहा हूं तो देखो यहां पे ओशन में क्या हो रहा होगा, मैंने ये जो वाटर है ये आ रहा होगा ओशन में, कहां से आ रहा होगा ये ओशन में पानी, कहां से आ रहा होगा? तो बोला ओशन में पानी आपको सर देखने को मिलेगा या तो इसी के ऊपर बारिश हो गई ओशन के ऊपर, दैट इज प्रेसिपिटेशन से देखने को मिलेगा। पी यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने कुछ टर्म्स को याद रख लो, पी यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपको प्रेसिपिटेशन को, पी यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेसिपिटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिला आर यहां पे रिप्रेजेंट करेगा रन ऑफ को, आर यहां पे रिप्रेजेंट करेगा रन ऑफ को, और मिला ई यहां पे रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी मिला यहां पे ई रिप्रेजेंट करेगा आपके इवेपोरेशन को, ई यहां पे रिप्रेजेंट करेगा आपके इवेपोरेशन को, ई यहां पे रिप्रेजेंट करेगा इवेपोरेशन को। तो आपने देखा प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ एंड इवेपोरेशन, ये तीन चीजों को आप देखने वाले हो। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। सर ये कितने मार्क्स का आता है गेट एग्जाम में? बोला 3 to 5 marks, 3 to 5 marks। ठीक है, स्टार्टिंग से देखते तो पता चल जाता, स्टार्टिंग से देखते तो पता चलता। ठीक है, एक बार लाइक कर दो बोला सेशन को, जिसने भी लाइक नहीं किया, कम ऑन गाइस जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, 400 बताएंगे आज लाइक को। ठीक है, तो जल्दी से। अरे ओशन मींस नहीं जानते हो क्या? ठीक है, आज एनवायरमेंट की क्लास है, आज नहीं है एनवायरमेंट की क्लास, आज धीरे धीरे वापस से पेस में आएंगे, एकदम से क्यों फॉर्म में आ जा रहे हो। ठीक है, तो देखो जरा यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, दिस पी इज द प्रेसिपिटेशन, ये पी आपको प्रेसिपिटेशन, तो मैंने लगा ओशन के अंदर पानी कैसे जाते हुए दिखता है आपको, तो हाउ यू गेट वॉटर इन योर ओशन, वन इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड अदर अनदर इज इन द फॉर्म ऑफ रन ऑफ। जो भी पानी बह के आया होगा, वॉट एवर द वॉटर दैट ड्रॉन्ड इन टू द ओशन कम इन टू द ओशन, दैट इज योर रन ऑफ वॉटर, एंड वॉट एवर द प्रेसिपिटेशन टेकिंग ऑन योर ओशन, जो बारिश हो रही होगी आपके ओशन के ऊपर, दैट इज प्रेसिपिटेशन। तो दो तरीके से आपने पानी को आते हुए देखा ओशन पे, वन इज योर प्रेसिपिटेशन एंड वन इज योर रन ऑफ। ठीक है सर, ओशन से पानी जा कैसे रहा होगा वो बात करते हैं। तो ओशन से पानी जो जा रहा होगा, ओशन से पानी जो जा रहा होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन। बोलो हाँ, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो क्या आप ऐसा बोल पाओगे कि दिस इवेपोरेशन इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन प्लस रन ऑफ के बराबर? आप ऐसा बोल पाओगे कि दिस इवेपोरेशन इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन प्लस रन ऑफ के बराबर? और अगर ऐसा बोल पाओगे तो आप ओशन के लिए यह बात लिख पाओगे कि यहां पे एट ओशन Evaporation is greater than precipitation. ठीक है, ocean surface पे आपको क्या देखने को मिलेगा? तो ocean surface पे आपको अपना evaporation ज़्यादा देखने को मिलेगा comparative to precipitation. Ocean surface पे आपको evaporation ज़्यादा देखने को मिलेगा comparative to precipitation. तो evaporation is greater than precipitation. ठीक है सर, ये बात भी हमारे समझ में आ गई। ठीक है सर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये बात सब लोगों को समझ में आ गई, तो ये बात हमारे समझ में आ गई। मैंने यही बात को देखते हैं हम लोग लैंड सरफेस के ऊपर। आपने ओशन सरफेस पे देखी, अब हम बात कर रहे हैं लैंड सरफेस के ऊपर। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर मैं आपसे कभी भी ओशन सरफेस के ऊपर बात करूंगा तो ओशन सरफेस पे आपको जितना प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रहा है उससे ज्यादा इवेपोरेशन देखने को मिलेगा। मतलब जितना पानी उसमें वापस ऐड हो रहा है उससे ज्यादा पानी क्या हो रहा होगा, ओशन से इवेपोरेट हो रहा होगा। ये बात हमको समझ में आ गई, किसके बारे में? ओशन के बारे में समझ में आ गई है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ये बात हमारे समझ में आ गई। मतलब नेक्स्ट बात करते हैं लैंड सरफेस के ऊपर बात करते हैं। अगर मैं आपसे लैंड सरफेस के ऊपर बात करता हूं तो मैंने बोला देखो लैंड सरफेस के ऊपर जो आपको पानी मिलता है वो किस फॉर्म में मिल रहा होगा। मैंने बोला हम लोगों को पानी जो मिल रहा होगा लैंड सरफेस के ऊपर इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन।
जो आपको लैंड सरफेस के ऊपर पानी देखने को मिल रहा है वो किसके फॉर्म में देखने को मिल रहा है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में देखने को मिल रहा है, मतलब बारिश हो जा रही है लैंड सरफेस के ऊपर, बारिश हो जा रही है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रहा है, आपको जो प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रहा है वो लैंड सरफेस के ऊपर प्रेसिपिटेशन की बात करी। मैंने नेक्स्ट बात करते हैं, तो मैंने यहां से पानी जा किस फॉर्म में रहा होगा लैंड सरफेस के ऊपर से, या तो पानी रन ऑफ हो जा रहा होगा या तो पानी एवापोरेट हो जा रहा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जब लैंड सरफेस पे आप बात कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में पानी आपको इस लैंड सरफेस के ऊपर देखने को मिल रहा है, और ये पानी या तो रन ऑफ हो जा रहा होगा या एवापोरेट हो जा रहा होगा, ये बातें हम लोगों ने देखी, ये बातें हम लोगों ने देखी। और अगर ये बात हम लोगों ने देखी तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, कि आपका जो प्रेसिपिटेशन होता है दैट इज इक्वल टू रन ऑफ प्लस एवापोरेशन के बराबर। और मेरे को ये बात समझ में आती है यहां से कि आपका प्रेसिपिटेशन जो होता है इज ग्रेटर देन एवापोरेशन फॉर लैंड सरफेस। तो अब आप ये कंक्लूजन पे पहुंचे हो कि अर्थ सरफेस के ऊपर से एवापोरेशन कम होता है और ओशियन सरफेस के ऊपर से एवापोरेशन ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए जो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि बताइए कि कहां से आपका सोर्स स्टार्ट होता है ये पूरा वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तब आपने बोला था कि ओशियन से स्टार्ट होता है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई ओशियन से स्टार्ट होता है, एंड दिस इज द रीजन कि आपको लैंड सरफेस से क्यों आप नहीं बोल रहे हो कि यह हाइड्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट होती है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलिए हां या ना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, मैं तुम्हारी तरह दिखता हूं, फोटो शेयर करना, देखते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन गाइस, गिव मी अ थम्स अप। अरे हाँ नहीं बोलते हैं हमारे यहाँ, सब थम्स अप करते हैं, हमारे यहाँ कोई हाँ नहीं बोलता है, हमारे यहाँ केवल थम्स अप करते हैं। मजा आ गया? अभी तो चालू हुआ है, मजा कहाँ आया अभी, अभी तो चालू हुआ है गेम। ठीक है, अभी तो गेम चालू हुआ है। लैंड वाला फिर से बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। लैंड वाला क्यों नहीं बोलेंगे? तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे लैंड सरफेस पे क्या होता है, जितना पानी यहां पे आ रहा होगा वो किसके फॉर्म में आ रहा होगा, बोला प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आ रहा होगा, और यहां से पानी जो भी जा रहा होगा वो किसके फॉर्मेट में जा रहा होगा, वो या तो रेनफॉल के फॉर्मेट में जा रहा होगा या इवापोरेशन के फॉर्मेट में जा रहा होगा। तो हमने बोला प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू किसके बराबर, रन ऑफ प्लस इवापोरेशन के बराबर। इसका मतलब प्रेसिपिटेशन इज ग्रेटर देन इवापोरेशन के बराबर। तो हमको समझ में आया फॉर द केस ऑफ लैंड सरफेस योर प्रेसिपिटेशन इज ग्रेटर देन इवापोरेशन, एंड फॉर द केस ऑफ ओशन Your precipitation, evaporation is greater than precipitation. अगर यहां तक की बात समझ में आई है तो अब आगे और बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फायर, क्या कहते हो, क्या कहते हो, मजा आ रहा है सब लोगों को? मजा आ रहा है, जल्दी से बताओ। बट सर evaporation के लिए बेसिक एनर्जी तो सन प्रोवाइड करता है, तो सन को स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए। बेटा उस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, पूरे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में सन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके होने से चीजें स्टार्ट हो रही है, बट वो उसका पार्ट नहीं है उस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। मतलब इसीलिए मैंने आपको मेंटोस जिंदगी दिखाई, और उस मेंटोस जिंदगी में आप ये सीखे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब होता है फॉर वॉट टाइम अ पर्टिकुलर योर वॉटर विल रिमेन इन अ पर्टिकुलर फेज। ठीक है, कितनी देर तक आपका वाटर किसी एक पर्टिकुलर फेज में देखने को मिल रहा है या चेंज इन फेज देखने को मिल रहा है, उसको आपने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोला। जब वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, या आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, या आइस वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, नॉट कि सन की वजह से क्या हो रहा है। ठीक है, दैट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और यही देखे हम मेंटोस जिंदगी में। ठीक है, देखे ठीक है ब्रो, थैंक यू, समझ आ गया? ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया? ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई आपको, तो मैं आपको एक बेसिक, अब आप लोग मेरे को एक स्टेटमेंट बताओगे, आप में से जितने भी लोग मेरे से इरिगेशन पढ़े हैं, मैं जानना चाहता हूं उनमें से कितने लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज कैचमेंट एरिया। आप में से जितने भी लोग, ठीक है, योर वे ऑफ टीचिंग इज ऑसम सन, हाउ कैन बी अ सन, हाउ सन कैन बी अ पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? व्हाट आई टोल्ड यू कि बेटा वो आपको एक एनर्जी का सोर्स है, वो एक एनर्जी का सोर्स है। मैं कभी भी आपसे पूछता हूं
कि आप अपना टाइम टेबल बनाओ आज का, कि आज क्या क्या पढ़ेंगे। मैं कभी भी पूछता हूं आपसे, आप आज का टाइम टेबल बनाओ, तो आप ये बोलते हो क्या कि मैं सूरज को देखूंगा सुबह उठूंगा तब। सूरज इज अ वाइटल पार्ट ऑफ दैट, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, वहां से एनर्जी का सोर्स है बट नॉट अ वाइटल पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, अब भाई मेरे को ये बताओ, मेरे को एक बात ध्यान से सुनना और मेरे को बताने की कोशिश करना कि वॉटर का आइस में कन्वर्जन होना, वॉटर का आइस में कन्वर्जन होना कहां से? सूरज पे डिपेंडेंट। हाउ कैन इट बी पॉसिबल, हाउ कैन इट बी डिपेंडेंट ऑन सन? नहीं, तो फिर कैसे? ठीक है सर, ये बात तो समझ में आई। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो, बोला सेशन को लाइक कर दो एक बार। ठीक है, लाइक कर दो। ठीक, कैन आई स्टार्ट हाइड्रोलॉजी? किसी की भी जरूरत नहीं है। जो लोग भी पहली बार हाइड्रोलॉजी देख रहे हैं उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है कि आपको हाइड्रोलॉजी जानने के लिए सिर्फ इतनी जरूरत है कि आपको ये पता रहे कि वॉटर को, मतलब पानी को इंग्लिश में वॉटर बोलते हैं। That is more than enough. बस आपको इतनी बात पता रहे कि पानी को इंग्लिश में वॉटर बोलते हैं, पूरा हाइड्रोलॉजी मैं सिखा दूंगा। बस आपको इतना पता रहे कि पानी को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ पानी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एरिया इन विच प्रेसिपिटेशन इज कलेक्टेड। ठीक है, ठीक, एरिया बिटवीन टू रिज लाइन, ऑसम, एरिया बिटवीन टू रिज लाइन। ठीक है, तो पानी को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, दैट इज मोर देन इनफ टू लर्न हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, व्हाट इज हाइड्रोलॉजी? इट इज अ साइंस ऑफ डीलिंग विद, इट इज अ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द वाटर, खत्म बात, दैट इज हाइड्रोलॉजी। तो बस इतना ही पता होना जरूरी है कि पानी को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। ठीक है सर, हाइड्रोलॉजी इंक्लूड्स इरिगेशन। बेटा इस वाटर के ऑकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज इरिगेशन, और जिसको अलग से पढ़ते हैं, जो हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है, मनोज कुमार तुम्हारे लिए था जल। ल्यूकॉम का अलग क्रेज है, पता है, ल्यूकॉम का तो क्रेज ही अलग है जी, ल्यूकॉम तो है ही, चीज ही अलग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लोगों ने कैचमेंट एरिया के बारे में बताया, आप लोगों ने कैचमेंट एरिया की बात करते हैं। एक बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट में कैचमेंट एरिया को समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको यह बात समझ में आए कि एग्जैक्टली पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, और ये पानी हम किसी एरिया की बात करते हैं तो सर ऐसे कैसे पता करते होंगे इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करते हैं। तो मैंने पूरे एरिया को कैचमेंट एरियाज में डिवाइड कर दिया, मैंने आपके पूरे अर्थ सरफेस को कैचमेंट एरिया की टर्म्स में डिवाइड कर दिया। एक गजब का एग्जांपल जस्ट अभी मेरे दिमाग में आया, कैचमेंट एरिया अगर किसी को नहीं समझ में आएगा ना तो देखना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कैचमेंट एरिया समझ में नहीं आए। एक गजब का एग्जांपल दूंगा। तो मैंने बोला एरिया बिटवीन टू रिज लाइन जो आप बोल रहे हो उसको कैचमेंट एरिया बोल रहे हैं, और गजब का लाइन है ये। ठीक है सर, गजब का लाइन है। तो देखना जरा यहां पर, अरे यार मनोज कुमार कैसा बात कर दे रहे हो तुम एकदम। मैंने बोला कि तुमको सिर्फ ये बात पता होना चाहिए कि पानी को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। इरिगेशन बाद में पढ़ लेना, कोई जरूरी नहीं है, हाइड्रोलॉजी चल रहा है पढ़ लो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है हमको ये पता होना कि इरिगेशन में क्या था, सारी बातों को बेसिक से बता रहा हूं यहां पे। ठीक है, ठीक। कौन डिसलाइक किया है? डिसलाइक तो होगा ही। ठीक है, व्हाट इज रिज लाइन? 359 लाइक्स हो गए, 400 करेंगे बोला लाइक्स को। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी क्या टाइम हो रहा है? 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है। 10 मिनट में आई वॉन्ट कि आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कर देंगे हम लोग 400। ठीक है, लाइक्स को 400 करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलो मैं गजब का कंसेप्ट आपके साथ डील करता हूं, तब तक आपकी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूं। और हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? कैचमेंट एरिया के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं कैचमेंट एरिया के बारे में, कैचमेंट एरिया के बारे में। एक गजब का एक्सप्लेनेशन दूंगा, देखना कैचमेंट एरिया आप देखते रह जाओगे कि यार क्या तो गजब बात बोल गया यार ने। ठीक है, तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे एरिया बिटवीन टू रिज लाइन बोला था मैंने आपसे, ये रही एक रिज लाइन, ये रही आपकी स्ट्रीम, और ये रही आपकी रिज लाइन। ठीक है सर, मैंने ये देखो रिज लाइन क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, किसी ने पूछा रिज लाइन क्या होता है, मैंने ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको कनेक्ट करती हुई जो लाइन आपको दिखती है इसी को बोलते हैं आप रिज लाइन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप रिज लाइन। ठीक है सर,
बोला यहां पर भी होगा क्या सर? ऑब्वियसली यहां पर भी होगा, ऑब्वियसली यहां पर भी होगा, इसी को बोलते हो आप रिज लाइन, इसी को बोलते हो आप रिज लाइन, ठीक है सर। मैंने इस पूरे एरिया में, अब इस पूरे एरिया में जहां पर भी बारिश हो रही होगी, मैंने इस पूरे एरिया में अब जहां पर भी बारिश हो रही होगी वो पानी कहां पे फ्लो होके जाएगा, मैंने इस पूरे एरिया में, इसी को बोलते हैं आप कैचमेंट एरिया, इस पूरे एरिया में जहां पर भी बारिश हो रही होगी वो वाटर फ्लो होके कहां जाएगा, वो वाटर फ्लो होके इस स्ट्रीम के पास जाएगा, वो वाटर फ्लो होके इस स्ट्रीम के पास जाएगा जो ये आपको स्ट्रीम दिख रही है। तो कहीं पे भी बारिश हो, कहीं पे भी बारिश हो, इस रिज लाइन के इस साइड अंदर साइड कहीं पे भी बारिश हो, वो फ्लो होके कहां जाने वाला है, वो इस स्ट्रीम के पास जाने वाला है, वो इस स्ट्रीम के पास जाने वाला है। कुछ लोगों को बातें ऐसे समझ में आती ही नहीं है, कुछ लोगों को ऐसे नहीं समझ में आती, तो ये देखो इसका दूसरा डायग्राम, मेथड नंबर वन समझाने का। आप देखो कुछ अलग लेवल पे बात करते हैं, चलो नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं, तुम लोगों को पसंद है ना कि डेप्थ में जाके बात करूं। तो ये देखो मैं, ये था आपका मेथड नंबर वन कैचमेंट एरिया समझाने का। चलो बात करते हैं तुम लोगों से, ठीक है। ये रिज लाइन को वॉटरशेड लाइन भी बोला जाता है, मैंने इस रिज लाइन को क्या बोला जाता है, मैंने बोला इस रिज लाइन को वॉटरशेड लाइन भी बोला जाता है, वॉटरशेड लाइन भी बोला जाता है। तो ये देखा आपने रिज लाइन वॉटरशेड लाइन, ठीक है। ये है एरिया जिसमें कहीं पे भी बारिश होगी तो आपका पानी स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम में जाके मिलेगा, ठीक है सर। ये बात तो हमारे समझ में आया, ठीक है, ठीक सर, ये बात तो हमारे समझ में आया। मैं ना, आओ जरा दूसरी बात करते हैं, मेथड नंबर टू, मेरे सारे चीतों के लिए मेथड नंबर टू। अरे जब हम टेक्निकल बात करेंगे तो फिर हम ही बात करेंगे ना, कोई और कैसे बात करेगा इसके बारे में। तो ये सुनो, देखो देखो मेथड नंबर टू, ये जो रिज लाइन दिख रहा था ये लो एरिया बना दिया, कुछ भी आर्बिट्री एरिया बना दिया। इस आर्बिट्री एरिया में एक मेन स्ट्रीम बना देते हैं, ये रही वो मेन स्ट्रीम जो पानी को यहां से यहां ले जा रही होगी, ये है वो मेन स्ट्रीम। अब इस मेन स्ट्रीम में मैंने बोला इस पूरे साइड, ये जो जो आपको साइड्स दिख रही है इस पे बड़ी बड़ी वॉल्स बना दो, बड़ी बड़ी वॉल्स बना दो। अब इस पूरे एरिया में कहीं पे भी बारिश होगी, इस पूरे एरिया में कहीं पे भी बारिश होगी तो छोटी छोटी स्ट्रीम्स, ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स यहां से आ रही होंगी और पानी कहां तक पहुंचाएगी, मेन स्ट्रीम तक पहुंचाएगी। तो ये है वो कैचमेंट एरिया जहां पे कहीं पे भी बारिश हो वो रिज लाइन से होते हुए वो कहां पे पानी को पहुंचाएंगी, वो इन छोटी छोटी स्ट्रीम से मेन स्ट्रीम में पानी को देंगी। ये बात समझ में आई, ये है आपका कैचमेंट एरिया। ये भी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट बात करेंगे मेथड नंबर थ्री के बारे में, नेक्स्ट बात करेंगे मेथड नंबर थ्री के बारे में। एक्वा कलर लाएं, ठीक है, एक्वा कलर अभी नहीं, एकदम और फ्लो बनने दो तब बताएंगे एक्वा कलर का जादू, ठीक है। एक्वा कलर का मैजिक हर किसी ने थोड़ी ना देखा है, एक्वा कलर का मैजिक हर किसी ने नहीं देखा है, तो उसको रहने दो अभी मैजिक को कुछ दिनों तक। ये लोग तो आधे लोग तो वो है ना जो आज की क्लास में ये देखने आए हैं सर पढ़ाते कैसा है, फिर नेक्स्ट क्लास में ये किसी और को देख रहे होंगे कि वो कैसा पढ़ाते हैं, और करते करते ये गेट तक ऐसे देखेंगे और फिर परेशान होके फिर प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे अगले साल। तो इन लोगों को रहने दो अभी कुछ थोड़ी देर। क्या मजा आ गया आपका अपना इंग्लिश, अच्छा आज बड़ा मौसम बेमान है, ठीक है। मैजिकल 365 डेज विद प्रतीक सर, यस, ठीक है। अभी नहीं हुआ है 400, नहीं हुआ है याद रखना, अभी 5-6 मिनट बाकी है, 6 मिनट बाकी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये 484 से 400 करना, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेक श्योर, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूं मेथड नंबर थ्री, ध्यान से सुनो, कुछ अगर आप में से कोई लोग ये बात को नहीं समझ पाए हैं तो मेथड नंबर थ्री देखो, एक गजब का एक्सप्लेनेशन मेरे दिमाग में आया है, इस मेथड नंबर थ्री को देखते हैं। मैंने जिस भी रूम में बैठे हो उस रूम के आइट साइड में वॉल्स होगा, बोला हाँ सर है कैचमेंट एरिया, उस रूम के आइट साइड में वॉल्स है। अब इस रूम में, इस वॉल के पीछे कहीं पे भी बारिश होगी आपके रूम में आएगी नहीं आएगी, मैंने इस वॉल के कहीं पे भी पीछे साइड बारिश होगी आपके रूम में आएगी नहीं आएगी। इस रूम के बीच में एक गड्ढा खोद लो, अब कहीं पे भी रूम के अंदर बारिश होगी तो पूरा पानी उस गड्ढे में जाएगा, बोलो नाली बना दी बीच में तो पूरा पानी, इस रूम में कहीं पे भी बारिश होगी तो पूरा पानी उस नाली में जाएगा, यस। तो ये रूम जो है आपका, ये कैचमेंट एरिया है कि यहां पे कहीं पे भी बारिश होगी तो वो पानी सीधे आके कहां जाएगा, आपके नाली में जाएगा, बोलो हाँ। इज दिस क्लियर, क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो मेरी एक और गजब की बात समझने की कोशिश करना, मैंने एक और, अगर ये बात समझ में आई है तो मेरी अलग से एक और बात समझने की कोशिश करना,
कि जहां पे बीच में नाली बनाई थी ना वहां पे एक और दीवार बना देते, वहां पे एक और दीवार बना दो ऊपर तक, जितनी ऊंची ये दो दीवारें थी आइट साइड वाली, उस रूम में बीच में एक और दीवार बना दी ऊपर तक। अब उस रूम में जो कॉर्नर वाली दीवार थी वहां पे कोई भी बारिश होगी तो क्या इस बीच वाली वॉल को क्रॉस करके आपकी साइड आएगा? नहीं आएगा। कैचमेंट एरिया हाफ कर दिया आपने, कैचमेंट एरिया कैसे कर दिया? हाफ कर दिया है। कैसे कर दिया है? बीच में वॉल क्रिएट कर दी, रिज लाइन बना दी है। अब कैचमेंट एरिया की बात होगी तो ये कैचमेंट एरिया अलग होगा आधा और ये कैचमेंट एरिया आधा अलग होगा। बोलो हाँ। अब देखो आप कैचमेंट एरिया को कहीं से भी कैसे भी समझ पा रहे होगे, अब आप कैचमेंट एरिया को कैसे भी कहीं पे भी समझ पाओगे। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? बोलिए यस और नो। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि कैचमेंट एरिया को आप अपने तरीके से कभी भी चेंज कर पाओगे? ठीक है, फोर मोर लाइक्स। ठीक है तो मैं बताता हूं। अब सुनो, रिज पूछ रहे थे ना कुछ लोग कि रिज क्या है, कुछ लोग रिज पूछ रहे थे क्या है। तो अ रिज इज अ लाइन विच डिवाइड्स योर कैचमेंट एरिया या विच डिवाइड्स वन कैचमेंट एरिया फ्रॉम अदर कैचमेंट एरिया। तो रिज क्या है? रिज एक वो लाइन है जो एक कैचमेंट एरिया को किसी नेबरिंग कैचमेंट एरिया से अलग करती है। तो आपने बना दी बीच में एक रिज, पहाड़ी बना दी। अब ना तो इसमें पानी आ पाएगा और इसका पानी इधर नहीं आ पाएगा। ठीक है, 400 हो गए, मेरे को तो नहीं दिख रहे, 398 दिख रहे, 397 दिख रहे। चार डिसलाइक किया कोई? डिसलाइक तो करेंगे ना, डिसलाइक तो करेंगे। ठीक है, अरे डिसलाइक से डरते क्या अपन, हम तो जानते क्या। ठीक है, मेथड थ्री अगेन डिफाइन करिए बेटा। मेथड थ्री सिर्फ एक कंसेप्चुअल आइडिया दिया आपको कि कैसे देखते हैं आप कैचमेंट एरिया को। ठीक है, एक कंसेप्चुअल आइडिया दिया कैसे आप कैचमेंट एरिया को देख रहे होगे, कैसे आप कैचमेंट एरिया को देख रहे होगे। थैंक्स, क्लियर सब लोगों को? क्लियर सर? मेथड टू फिर से, यस मेथड टू आई कैन एक्सप्लेन। मेथड टू ये रही, मैंने देखो क्या किया है मैंने, एग्जैक्टली मैंने क्या किया है, मैंने बोला ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको ये रैंडम शेप लिया है मैंने, कोई सा भी। मैंने यहाँ पे पहाड़ बना दो, पूरे बाउंड्री पे पहाड़ बना दो, ऊंचे पहाड़ बना दो, इसको ऐसा रखो और जहाँ पे ये लाइन है वहाँ पे ऊंची दीवारें बना दो। अब इस एरिया में देखो, अंदर बीच में ये आपका रूम मान लो, जिस रूम में आप बैठे हो, मेथड टू और मेथड थ्री को कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला इस रूम को एरिया को मान लो और वॉल्स बना दो। अब यहां पे कहीं पे भी बारिश होगी, पूरे एरिया में कहीं पे भी बारिश होगी, तो वो पानी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी से कहां जाएगा? आपकी मेन स्ट्रीम में जाएगा। वो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी से कहां जाएगा? मेन स्ट्रीम में जाएगा। और यही है कैचमेंट एरिया, जितने भी एरिया में कहीं पे भी बारिश हो वो पानी कहां ले जाए? आपके मेन स्ट्रीम में ले जाए, इस पूरे एरिया में जहां पर। ठीक है, वो आपको कैचमेंट एरिया के बारे में बता रहा होगा। ऑल क्लियर? सबको समझ में आ गया? I have joined now. Will it cover some EAC full? Yes, बिल्कुल। लाइव पढ़ने का मजा अलग है। बाथरूम योर ईच एंड एवरी वेयर इज योर कैचमेंट एरिया। यस, लाइक करो रोहित अभिजीत। कौन है ये लोग? मैं आज क्लास नहीं कर पाई, डॉक्टर के पास आई हूँ। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, ये तो अभी रिकॉर्डेड रहेगा। सर एक्सप्लेन इन इंग्लिश टू। यस आई विल एक्सप्लेन। प्लीज नोट दे दीजिए, नोट्स का भी जरूरत ही नहीं है, यू शुड मेक नोट्स बाय योर ओन। ठीक है, इज दिस क्लास सफिशियंट फॉर ईएससी? यस, आई एम टेलिंग यू दिस वुड बी द बेस्ट हाइड्रोलॉजी यू विल एवर गेट ऑन यूट्यूब। तो मैं सब कुछ कवर करने वाला हूं, सब कुछ, जीरो से लेकर 100 तक सब कुछ कवर करेंगे। ज्योमेटिक्स के पेपर के बारे में कुछ बताइए बेटा, मैं उसके लिए एक अलग से सेशन ले लूंगा। दिस क्लास इज फॉर टेक्निकल डिस्कशन, आई कांट टेक मतलब ऐसे वाले डाउट्स, बट आई विल श्योरली टेक अ सेशन ओवर दिस। ठीक है, नोट्स बनाते जाना है साथ साथ में। यस ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। मजा आ गया सब लोगों को? जरा बताइए, जरा इरिगेशन का पीडीएफ मिलेगा। एनवायरनमेंट कब से कंटिन्यू होगा? एनवायरनमेंट कल से कंटिन्यू होगा एक बच्चा पूछ रहा है, मैंने बोला एनवायरनमेंट कल से कंटिन्यू होगा। ठीक है, अच्छा ये चीज देखिए जरा, ये प्राइस हाइक आप लोगों को अगर आइडिया नहीं है तो आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों के लिए बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देख रहे हो तो आपका प्राइस हाइक होने वाला है,
ठीक है, जो भी आपने सिलेबस देखा, जो भी आप यहाँ पे कोर्स देखते हो, जो भी मैं प्राइस बताता हूँ, वो प्राइस हाइक होने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए और एक गाइडेड स्टडी की साइट जाना चाहिए, तो अभी प्लान करिए एंड यूज द कोड प्रतीक 101, ठीक है, याद रखिए इस बात को। तो मैंने बोला ये प्राइस हाइक होने से पहले आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। ठीक है सर, मैंने बोला और बताइए, तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे कुछ आपके लिए वाटर बजट इक्वेशन लाया था, बट हुआ नहीं है। ये देखिए फीस मैं बता देता हूँ, अभी जो फीस है 12 मंथ का वो 27,225 है आफ्टर डिस्काउंट, बट दिस प्राइस इज गोइंग टू हाइक वेरी सून। तो अगर आपको लगता है कि पहले लेना चाहिए सब्सक्रिप्शन, तो यूज द कोड प्रतीक 101 इफ यू वांट माय गाइडेंस, माय मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी एंड आफ्टर द जर्नी आल्सो। ठीक, तो मैंने बोला यहाँ पे 18 मंथ का फीस इज 34,650 और यहाँ पे इट इज 39,600। समझ लो, फॉर द केस ऑफ आइकॉनिक 12 मंथ का कोर्स इज 45,225 एंड 24 मंथ का कोर्स इज 66,600। दिस इज योर कॉम्बैट, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको मैं पहले से ही बोलते आया हूं, यू शुड हैव टू सीज द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों से अपॉर्चुनिटी छीन लेना है। 20 जून को होगा ये कॉम्बैट, आपको पता है रेफरेंस कोड प्रतीक 101, रजिस्टर करो खुद को और वहां से अपॉर्चुनिटी को ग्रैप कर लो। ठीक है, दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो आप यहां से फॉलो कर सकते हो क्योंकि हम लोग वहां पे एनवायरमेंट देख रहे हैं, तो आप वहां से मेरे को देख सकते हो। ठीक है, तो ये हुई बात। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप सब लोगों को मजा आया होगा आज की क्लास में, आई होप सब लोगों ने सारी चीजें समझी होगी। क्या कहते हो सर, ये पीपीटी प्रोवाइड कर दीजिए ग्रुप में डेली, मेंटेन डिग्निटी। क्या हो गया, कुछ दिक्कत है क्या? अगर आई जस्ट लव योर टीचिंग, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच सर। इरिगेशन के दो वीडियो प्राइवेट है? नहीं 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 नहीं, कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं है, कोई वीडियो प्राइवेट नहीं है। ठीक है, वो मैंने पढ़ाया नहीं था। ठीक है, हमको बताया सर, आप कॉल कीजिए। ठीक है, जियोटेक डिसकंटिन्यू नहीं किया है, बोल दिया मैंने, जियोटेक डिसकंटिन्यू नहीं किया है। जिन लोगों को लग रहा है जियोटेक डिसकंटिन्यू हो गया, जियोटेक का क्लास होगा बेटा रात को 9 बजे प्लैनेट गेट चैनल पे, मैंने आपको बताया जियोटेक 9 PM होगा आपका। ठीक है, जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे थे वो 9 PM प्लैनेट गेट पे मेरे साथ जियोटेक देख सकते हैं। ठीक है, प्लैनेट गेट पे आज से। ठीक है, तो आज से मेरे साथ प्लैनेट गेट पे देख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन रिकॉर्डेड देख रहा हूँ, ऐसा लगता है लाइव चल रहा है। थैंक यू सो मच, ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच गाइस, तो मिलते हैं आप लोगों से। ठीक, इट्स टाइम।